खबरों से पहले हम करते हैं पूरी तैयारी। हमें मालूम है हमारी जवाबदारी। हम खबरों को देते हैं तलवार की धार। आवाज की उम्मीदों को करना है साकार, क्योंकि हम हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के लिए। बुंदेलखंड का पहला 4G न्यूज चैनल सागर एक्सप्रेस न्यूज। क्या है उसको अगर कल कोई कह जाए चलो भागो तुम यहाँ से, नहीं रखना तुमको, ये गलत होगा। जमाना भी चला गया, अभी हम एक बाई इलेक्शन में दे कितना नोट खर्च हुआ, लेकिन चुनाव हार गए। कि भाजपा का अब 14 साल में पाप पर खड़ा भर चुका है। प्रदेश सरकार से हटाए गए मंत्री बाबूलाल गौर की पार्टी के प्रति नाराजगी तो समझ में आती है, लेकिन सागर के सांसद लक्ष्मीनारायण यादव और उनके बेटे का पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना समझ से परे है। कहीं आने वाले चुनाव में उनका यह विरोध टिकट पाने का स्टंट तो नहीं? जी हाँ, दो दिन पहले 48 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति सरकार की खामोशी को सांसद ने अन्यायपूर्ण बताया था, जो आज उनके पुत्र सुधीर यादव ने 48 आशा कार्यकर्ताओं के साथ होकर प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार ने उपचुनाव में जमकर नोट बांटे, फिर भी वह चुनाव हार गई। सांसद पुत्र सुधीर यादव आज हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं के पंडाल पर पहुंच गए। कुछ आशा कार्यकर्ता नेताजी पर भड़क गई। उन्होंने कहा, हमारी सुध ना तो सीएम ले रहे हैं और ना पीएम। कार्यकर्ता बोली, हम वोट नहीं देंगे भाजपा को। भाजपा नेता सुधीर यादव ने खुद का बचाव करते हुए पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि पैसे से भी वोट नहीं मिल रहा है। उपचुनाव में सरकार ने पैसा बांटा, लेकिन फिर भी वह चुनाव हार गई। तो ना कर कर देता है, खड़ा ही नहीं हो जाता है, ना कर कर देता है। रिश्ता निकल आता है वोट लेने के लिए कि कभी नहीं निकलेगा वो रिश्ता। आज हम 12 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन ना मुख्यमंत्री को हमारी चिंता है, ना मोदी को हमारी चिंता है, क्योंकि वो कुछ देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने हर साल हमसे वोट लिए। सुधीर भैया को चिंता है भी आ रहा है। समाज दो चीजों से चल रहा है, एक नोट से और एक वोट से। वो जमाना भी नहीं है, अगर नोट फेंक है अब तो नोट भी खाएंगे और वोट भी देंगे। हम आपको बता दें कि सांसद लक्ष्मीनारायण यादव जनता दल कांग्रेस के साथ कई पार्टियों में रह चुके हैं और उन पर यह भी आरोप लगते आए हैं कि जिस पार्टी में उनको टिकट नहीं दिया जाता उस वह पार्टी वो छोड़ देते हैं। अपने बेटे सुधीर यादव के लिए अब सांसद जी को विधानसभा सुरखी या शमशाबाद के साथ सिरोंज से टिकट चाहते हैं। आदत के अनुसार उन्होंने अपना विरोध का स्टंट शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा नेताओं पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार के खिलाफ उनके मंत्री बयान देने लगे हैं। उन्होंने गौर और लक्ष्मीनारायण यादव का भी उदाहरण दिया। पार्टी का दिन पे दिन चलाधार खिसकता जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो झूठी घोषणाएं पिछले 15 सालों से की है, अब जनता उनकी झूठी घोषणाओं को समझने लगी है। यही कारण है कि चाहे अटेर हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे मुगावली हो, चाहे कुलारस हो, सब जगह भाजपा की हार हुई है। और हार ही नहीं, जितने तीर मुख्यमंत्री की तरकस में थे सारे तीर उन्होंने मुगावली और कुलारस के चुनाव में चलाए। चाहे धन बल हो, बाहुबल हो, सत्ता बल हो, सब प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग किया। आज भाजपा के नेताओं की तरफ से आवाज उठने लगी है। सरदार सिंह जी भाजपा के केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे और इस समय वर्तमान विधायक है। उन्होंने खुद कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभिमन्यु नहीं, मुगावली और कुलारस के बाद में अर्जुन बनकर उभरे हैं। वहीं दूसरी ओर बाबूलाल गौर जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को कहा कि भाजपा में कहीं ना कहीं आक्रोश है और ये सिंधिया जी की जीत है। आज वही मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुना कि सागर के सांसद भी कह रहे हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये इस बात की शुरुआत है कि भाजपा का अब 14 साल में पाप पर खड़ा भर चुका है और जनता और पूरे प्रदेश की जनता, किसान और युवा कांग्रेस। बहरहाल सागर सांसद का सरकार के खिलाफ बयान देना और अब उनके पुत्र का पार्टी को नीचा दिखाना उनकी बगावती तेवर बताता है। हालांकि पार्टी सांसद का सम्मान करती आई है, अचानक से सांसद और उनके पुत्र का पार्टी के खिलाफ मुखर होना बताता है कि यह स्टंट सिर्फ टिकट पाने का है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट।